मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव डूंगर के युवा ने, जिनका नाम शुभम मलिक है, उन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर जो उनका चयन हुआ है उसको लेकर के गांव में उत्साह है। गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग छोटे उनको यहां पर रिसीव करने पहुंचे हैं। फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है और ढोल नगाड़ों की थाप पर उनका स्वागत यहाँ किया गया है। मेरे साथ खुद मौजूद है शुभम भाई, ये बताइए आप किस चयन पद पर चयन हुआ है और किस कितनी मशक्कत के बाद हुआ है, जो तमाम लोग आपको लेकर पहुंचे, कैसा लग रहा है? सर, ये UPSC द्वारा कराई गई परीक्षा होती है और ये CABF असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा होती है। इसके लिए मैं 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रहा था, उसके बाद मुझे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिली। कितना सहयोग परिवार का मानते हैं और जो तमाम लोग पहुंचे हैं, इनके जहन में भी गर्व होगा कि उनके बच्चे ने इतनी तरक्की की है और आगे भी नाम रोशन, गांव का नाम रोशन होगा। ये सब सहयोगी है, जितने लोग हमारे साथ है, इतना उत्साह देखकर मैं इमोशनल हुआ भी, बिल्कुल एग्जैक्ट शब्दों में बता भी नहीं सकता। ये इन लोगों का सपोर्ट ही है और परिवार का सपोर्ट है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। इंस्पिरेशन कौन रहा, कहाँ से ऊर्जा मिली आप? सर, इंस्पिरेशन सारा गांव ही है। हम अपने आसपास देखते हैं कि जो लोग BSF में, CRPF में सिपाही के पदों पर जाते हैं, तो मुझे भी सेवा में जाके देश की सेवा करने का, एक उच्चतर स्तर पर देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, क्योंकि आपने शुरू किया है, भविष्य में क्या प्राथमिकता रहेगी? अभी सबसे पहले मेरा यही था कि मुझे देश की सेवा, एक उच्च पद पर जाकर देश की सेवा अपनी कैपेसिटी में पूरी करनी है। अभी तक यही है और आगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे और UPSC के पेपर क्लियर करेंगे। जो बच्चे आजकल तैयारी भी कर रहे हैं, हालांकि कुछ अच्छे रास्ते पर होते हैं, कुछ गलत रास्ते पर होते हैं, ऐसे युवाओं को क्या संदेश मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैसेज यही है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। मेहनत ही अकेली ऐसी चीज़ है जो किसी को भी सफलता दिला सकती है। मेहनत लगातार करते रहिए, समय जरूर लग सकता है पर मेहनत रंग लाएगी, एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी जरूर। बिल्कुल, मेहनत रंग लाएगी और ये मेहनत रंग इस तरह से लाती है, पूरा गांव आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ इकट्ठा हो चुका है और इस गांव के जो तमाम लोग हैं अपने इस भाई को, बेटे को यहाँ रिसीव करने पहुँचे हैं, उत्साह के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चूँकि यूपी, ये आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर, आपका क्या नाम है? अजय मलिक। आप क्या रखते हैं भाई के? मैं उमेश मलिक, विधायक का बड़ा भाई हूँ। अच्छा, आपके क्षेत्र के युवा ने आपके गांव का नाम रोशन किया है, अपने शब्दों में क्या कहेंगे? ये बहुत ही बहुत बढ़िया बात है, इस लड़के ने बहुत मेहनत करके इस उच्च परीक्षा को पास किया है और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बच्चा, इस बच्चे को प्रेरणा स्रोत मान के सभी बच्चे इसी दिशा में प्रयास करके और मेहनत करके अच्छे अच्छे बड़े बड़े पदों पर जाए। तो बिल्कुल, जो गांव के बुजुर्ग हैं, जो तमाम जो लोग हैं जो इंस्पिरेशन रहे हैं शुभम जी का, उनका साफ यही कहना है कि बच्चे तरक्की करें, मेहनत करें और आगे ऊंचे पदों पर जाएं, इनका गांव का नाम रोशन करें। अपने सहयोगी तस्लीम राणा और अनीश चौधरी के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुजफ्फरनगर, डूंगर।